भाई मुझे तो नहीं लगता यार ये फॉर्च्यूनर यहाँ से निकल जाएगी भाई। ये हमारे दादा के जमाने का ट्रैक्टर गया था भाई, इसको बाहर निकालने के लिए ये भी अंदर की तरफ फंस गया यार। कहीं मेरा ट्रैक्टर भी ना फंस जाए यार, यहाँ मुझे जो है आराम से जाना होगा भाई। यहाँ पर तो गड्ढे भी बहुत ज्यादा गहरे है। अरे अरे भाई ये तो टेढ़ा हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो अपने ट्रैक्टर को जो है भैया बैक ले जाता हूँ। यार एक ट्रैक्टर जो है वहाँ पर भी फंसा हुआ है, तो मुझे वो भी निकालना है। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इनको निकालता हूँ। यार मेरे पास जो है सुबह सुबह कॉल आई थी यार कि एक फॉर्चुनर फंसी हुई है, लेकिन यार मैं काम में बिजी था भाई, मैं दूसरे चैनल की वीडियो बना रहा था, इसलिए जो है मैं ट्रैक्टर लेकर नहीं आ पाया भैया अपना इसे निकालने के लिए। लेकिन जैसे ही भैया मुझे टाइम मिला मैं पहुंच गया यहाँ। तो जल्दी से लाइक कर दो और फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर दो भाई, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो जल्दी से कर दो भाई। सबसे पहले तो मैं इस फॉर्च्यूनर को निकालता हूँ यार। इसका ड्राइवर ना यहाँ से 9:11 हो गया है, तो पता नहीं यार वो कहाँ भाग गया। खैर कोई बात नहीं, मैं इसका टोचन कर लेता हूँ और अभी इसे निकालता हूँ बाहर। फिर इस ट्रैक्टर को भी मुझे बाहर निकालना है यार। भाई ये तो बहुत जल्दी निकाल दी मैंने ये फॉर्च्यूनर, तो कुछ भी नहीं है भाई। वहाँ जो ट्रैक्टर है लेकिन वो बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ फंसा हुआ है। ये ट्रैक्टर तो निकल ही जाएगा, मैं एक काम करता हूँ इसे लेकर निकल लेता हूँ यहाँ से। सबसे पहले तो ये ठीक रहेगा यार, यहाँ पर ना गड्ढे बहुत ज़्यादा है। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता यार अपने ट्रैक्टर के साथ। मुझे तो बस फॉर्चुनर का ठेका मिला था भाई 300 रुपये में, तो इसे तो निकाल दिया मैंने बाहर। वैसे बहुत कम पैसे दिए यार इन्होंने मुझे, मैं इनकी फॉर्चुनर लेकर भाग जाऊँ क्या यार? ऐसे आगे फंसा दूँ अपने आप, पैसे ज़्यादा देंगे बोल दूँ, गलती से फंस गई भाई। देखो यहाँ पर ना काम चल रहा था आगे, फिर भी ये फॉर्चुनर वाला पता नहीं यार क्या इसके दिमाग में कीड़ा था या क्या था, ये वहाँ भाग गया यार। अरे भाई अभी मेरा ट्रैक्टर यहाँ फंस गया क्या? ओ भाई अटक गई हमारी ट्रैक्टरी, अटक गई भाई ट्रैक्टरी। चलो भाई देखो ये फंसा हुआ भाई ट्रैक्टर वहाँ पानी में, बहुत ज़्यादा पानी में फंस गया हो तो वहाँ। उसे नहीं पता मैं निकाल भी पाऊँगा या नहीं निकाल पाऊँगा, लेकिन इसे तो निकालने की अपनी पूरी कोशिश रहेगी भाई। इसे तो निकाल दूँगा मैं। ओ भाई गंदा ही टेढ़ा हो रहा है। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, इसको ना यहीं पर छोड़ देता हूँ। अभी जो है हम इस ट्रैक्टर को बाहर निकालने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर ये पत्थर कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े हैं भाई, ये इसलिए मंगवाए थे ताकि इस गड्ढे में डाल दें इनको, लेकिन पता नहीं यार ये आजकल काम ही नहीं करके खुश भाई कोई। यहाँ पर ऐसे ही छोड़ कर भाग गया यार इतने बड़े बड़े पत्थर यार, तो मुझे ये हटाने पड़ेंगे बाद में। खैर इसे तो मैं बाद में हटा लूँगा, पहले ना मैं इस ये जो ट्रैक्टर है ना इसे ही निकालने की कोशिश कर लेता हूँ ये गड्ढा। ओ भाई 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 भाई, भाई नहीं, 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 नहीं। हो गया भाई सत्यानाश, ये तो टेढ़ा हो गया। ये क्या सीन बन गया भाई हमारे साथ। अब मुझे ना इस फॉर्चुनर का ही सहारा लेना पड़ेगा, डूबते को तिनके का सहारा, ऐसे ही मुझे इस फॉर्चुनर का सहारा। तो सबसे पहले तो भैया मुझे इसका ना टोचन करना पड़ेगा, अब वहाँ से टोचन कर लेता हूँ, शायद ये सीधा हो जाए निकल जाए। सिम सिम भाई बस ये सीधा हो जाए, बाकी तो फिर तो मैं इसको अपने आप कर ही लूँगा। अब ये चलो यार ये सीधा तो हो गया है, मुझे वैसे उम्मीद तो नहीं लग रही थी इसकी, लेकिन सीधे तो अब मुझे ना आराम आराम से बैक जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं गया भाई। यहाँ पर तो गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा है, पता नहीं ये ट्रैक्टर वाले कहीं भी मुंह उठा के क्यों घुस जाते हैं भाई। क्या लगता है गाइस मैं इसे कर भी पाऊंगा या यहाँ आपका स्टंट ही देखने को मिलेगा? भाई ये गिरेगा यार, फिर से गिर गया यार ये तो, सिस्टम ही गलत हो गया भाई हमारा। सोचा तो मैंने कुछ और था लेकिन कुछ और हो गया है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे ये फॉर्चुनर लेकर यहाँ से ना 9:11 हो जाना चाहिए, या एक बार और देखो यार इसे सीधा करके अगर हो जाए तो। ये अगर ये निकल भी जाए ना तब भी ठीक है यार, वहाँ से मैंने फॉर्चुनर निकाल लिया, अभी ये फॉर्चुनर ही इसको निकाल रही है। चलो भाई फिर से ट्राई करते हैं इसको इस साइड से टोचन करके, अगर सीधा हो जाए। यहाँ पर गड्ढा जो है कुछ ज़्यादा ही गहरा है, ये अब निकलेगा नहीं है सीधा, तो देखो मैंने कर दिया है इसमें बैठने के बाद ही फिर से। अरे अरे भाई नहीं 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 यार प्लीज भाई, अब की बार मैं जो है सीधा जाने की कोशिश करता हूँ। नहीं भाई बस ये एक बार ऊपर आ जाए, अब की बार नहीं घुसूंगा भाई, वो ट्रैक्टर गया भाड़ में।
तो लो भाई फाइनली अपना ट्रैक्टर तो सीधा हो गया है। अब मेरा फिर से मन करने लग गया है इसको बाहर निकालने का। तो अब की बार मैं एक काम करूँगा भाई, मैं ना इसको ना बैक जाकर ऐसे ही सीधा करूँगा। सबसे पहले तो मैं इसका टोचन कर लेता हूँ यार यहाँ से। अब मैं इसे ना ऐसे ही बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। भाई निकल नहीं रहा यार ये, बिल्कुल भी हिल तक नहीं रहा ये। या तो वहां कोई पत्थर है जिसकी वजह से ये वहां पर अटक रहा है, या पीछे की साइड कोशिश करूं मैं इसे निकालने की। निकल जाएगा निकल जाएगा, बस मेरा ट्रैक्टर दोबारा से टेढ़ा ना हो। तो भाई फाइनली हमने कैसे भी करके इस वाले ट्रैक्टर को भी बाहर तो निकाल लिया है, लेकिन ये क्या हो गया, अब यहाँ पर अटकना था क्या भाई? ये कितने नखरे क्यों चल रहे हैं इस ट्रैक्टर के? भाई ये पत्थर की वजह से अटक गया या फिर वो ट्रैक्टर वहां अटक चुका है। देखो उसके पीछे वाले टायर तो घूम रहे हैं यार। मैं इसको खींच कर देखता हूँ अगर ये आ जाए तो। नहीं हो रहा यार, ये वाला ट्रैक्टर अटक गया पीछे वाला। ओ भाई फाइनली निकल गया। मैं इस साइड, अरे आ जाना यार भाई। अगर अब की बार ये ट्रैक्टर पलट गया ना, मैं छोड़कर भाग जाऊंगा इसे। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना बैक नहीं ले जाना भाई, इसको ना मैं पहले सीधा कर लेता हूँ यहाँ से। एक तो कीचड़ ज़्यादा हो गया यार, ये मुड़ भी नहीं रहा हमारा ट्रैक्टर अच्छे से यहाँ से। पेड़ ना टूट जाए भाई, पहले ही सांस नहीं आती भाई मुझे तो। यार ये पत्थर की वजह से टक रहा है ये, इसका इंजन ना यहाँ पर लग रहा है नीचे की साइड, इसलिए ये टक रहा है। नहीं तो हमारा ट्रैक्टर ऐसा नहीं था भाई, मैंने तो इसकी HP भी बढ़वाई हुई है भाई। देखो इस पे टक रहा है ये, बाकी तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पत्थर है ना यहाँ टक रहा है ये। मुझे अपना दूसरे वाला ट्रैक्टर लेकर आना चाहिए था, या तो यहाँ बड़े वाला। लोग निकाल तो देंगे यार हम इसे। यार अब कहाँ अटक गया ये, इसका एक टायर जो है इस पेड़ के पास अटक गया शायद, अब ये निकल नहीं रहा। मुझे फिर से पीछे करना पड़ेगा, इसके आगे वाले टायर ना पूरे के पूरे कीचड़ में अटक गए हैं। तो लो भाई फाइनली यार, बहुत ज़्यादा देर लगी लेकिन मैंने इसे निकाल लिया है। अभी ये क्या हो गया यार भाई, ये पत्थर अटक रहे हैं यहाँ। लेकिन लो भाई इसको निकाल तो दिया ही है, अब बाकी बाद में आएगा इसका ड्राइवर और इसे ले जाएगा। तो अभी तो मैं निकल लेता हूँ यार यहाँ से, कहीं से रास्ता ढूंढ के और यहाँ से निकलना पड़ेगा मुझे। तो आप भी लाइक कर देना भैया और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना भाई, मैंने दोनों चीज़ें बाहर निकाल दी है।